दुनिया की सबसे दबंग टीम एक बार फिर अंग्रेजों से टक्कर लेने जा रही है, लेकिन इस बार क्रिकेट की कामयाब कहानी मैदानी इलाकों में नहीं बल्कि वादियों में गूंजती हवाओं के बीच लिखी जाएगी। भारत और इंग्लैंड सीरीज की आखिरी लड़ाई हिमाचल प्रदेश के स्टेडियम में लड़ी जाएगी। लामाओं की नगरी माने जाने वाले धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की खूबसूरती और छटा ही देखते बनती है। क्रिकेट के दीवानों के लिए जश्न मनाने का ये पहला मौका होगा जब भारतीय टीम धर्मशाला के इस खूबसूरत स्टेडियम में कोई मुकाबला खेलेगी। धर्मशाला इसलिए भी मशहूर है कि दलाई लामा के निवास और यहाँ से तिब्बत की निर्वासित सरकार भी चलती है, और अब यहाँ का क्रिकेट स्टेडियम भी आकर्षण का एक नया केंद्र बन गया है। समुद्र तल से 1450 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर बना यह स्टेडियम तकनीकी रूप से भारत में मौजूद सर्वाधिक उन्नत क्रिकेट के मैदानों में से एक है। इसकी दर्शक दीर्घा से लेकर ड्रेसिंग रूम तक से बर्फ सना माथा लिए दूर खड़ी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को नजरअंदाज करना नामुमकिन सा हो जाता है। स्टेडियम के स्टैंड से लेकर ड्रेसिंग रूम तक से क्रिकेट के लुत्फ के साथ साथ वादी के हसीन नजारे का भी लुत्फ उठाया जा सकता है। इस स्टेडियम की खास बात यह भी है कि क्रिकेट की सुप्रीम संस्था आईसीसी ने यहाँ की खूबसूरती से प्रभावित होकर यहाँ तक कह दिया था कि धर्मशाला में खेलने का मतलब स्वर्ग में क्रिकेट मैच खेलना है। 2003 में बनने वाले इस स्टेडियम में 25,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। राजधानी शिमला से यह स्टेडियम 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां चारों तरफ पहाड़ों से घिरे स्टेडियम का नजारा बहुत ही खूबसूरत है। स्टेडियम के साथ साथ धर्मशाला की खूबसूरती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां दोनों टीम के खिलाड़ी पहुंचते ही सैर सपाटे के साथ साथ प्रैक्टिस में व्यस्त हो गए। हालांकि इससे पहले यहां रणजी और आईपीएल के मैच हो चुके हैं। यहां सबसे बड़ा मुकाबला 2010 में किंग्स इलेवन पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया था, और अब आईसीसी से मोहर लगने के बाद धर्मशाला का यह खूबसूरत स्टेडियम बर्फीले पहाड़ों के बीच सीना ताने मेजबानी करने के लिए तैयार है। इस स्टेडियम में विंटर रे ग्रास की चादर बिछी हुई है। भारत में यह पहला स्टेडियम है जिसमें इस प्रकार की घास का उपयोग हुआ है। साथ ही क्रिकेट के जानकारों का मानना है कि इस स्टेडियम में ज्यादा मैच नहीं कराए जा सकते क्योंकि सर्दी के मौसम में यहाँ ओले और बारिश अधिक होती है। इस सीरीज में ये तीसरा स्टेडियम है जिस पर पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जाएगा। स्टेडियम में साइड स्क्रीन के ठीक पीछे लाल रंग की धार्मिक आकृति बनी है जो काफी आकर्षक है। बहरहाल प्राकृतिक छटाओं के बीच इस स्टेडियम को देखकर सुखद अनुभूति तो होती है, लेकिन फैंस को इस बात का इंतजार है कि टीम इंडिया धर्मशाला में होने वाले पहले वनडे में जीत हासिल कर इतिहास रच पाती है या नहीं। रजनीश कुमार, Live India.